हेलो गाइस वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लीगल एड है इसकी क्या प्रोविजंस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ होली डॉक्यूमेंट तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक पवित्र दस्तावेज़ है इट गारंटीज सोशल इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल जस्टिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ एंड एकटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेपोटेशन तो ये गारंटी देता है सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए और इससे हमें फ्रीडम वगैरह मिलती है ताकि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें और इक्वालिटी मिलती मतलब इक्वालिटी होती है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी और रेपोटेशन से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें लाइफ जी सकें इट इज़ होली कंसाइंस विच इज़ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इट इज़ हेवन फॉर पुअर पीपल्स तो मेनली जो ये बताया गया है कि हाँ पुअर पीपल्स वग़ैरह को फैसिलिटी दी गई है लीगल एड वग़ैरह की इट इज़ डेक्लेशन ऑफ़ फ्री लीगल एड विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये डिक्लेयर किया डिक्लेयर वगैरह किया गया फ्री लीगल एड जो डिस्क्राइब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 39 ए के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें बताया गया इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 सेज दैट नो मैन इज अबव लॉ रूल ऑफ लॉ तो आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है कानून से ऊपर कोई नहीं है इट डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया तो इसमें ये बात डिक्लेयर की गई है कि जो स्टेट है स्टेट किसी को भी मना नहीं कर सकती डिक्लेयर डिनाई नहीं कर सकती कि हाँ उस पर्सन को लॉ वगैरह के ज़रिए इक्वलिटी वगैरह से नहीं देखा जाएगा या उसको इक्वल प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दी जाएगी अगर वो टेरिटरी के अंदर है इंडिया के टेरिटरी के अंदर आर्टिकल फोटीन यूजिस टू एक्सप्रेशन तो जो आर्टिकल फोटीन है ये दो एक्सप्रेशन के जरिए यूज़ किया जाता है इसको इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीनिंग देयर बाई दैट द लॉज आर इक्वल फॉर ऑल तो जो लॉज हैं वो सभी के लिए इक्वल हैं एंड ऑल आर इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज और सभी के सभी पर्सन जो हैं वो इक्वली प्रोटेक्टेड है लॉ से ऑल पर्सन इज रिस्पेक्टिव ऑफ पुअर एंड रिच आर इक्वल अंडर द लॉ चाहे कोई पर्सन अमीर है या गरीब है बट लॉ में सभी को इक्वली दर्जा दिया जाता है इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी डिफरेंस नहीं करता अमीर और गरीब में इट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस टू ऑल पर्सन तो इसमें जो ये भी कंसेप्ट इंक्लूड है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाती है जस्टिस के लिए जस्टिस के रिगार्डिंग सभी को मतलब है सभी पर्सन को न्याय दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी बात रखने के लिए भी इफ ऑल पर्सनस आर इक्वल अंडर लॉ देन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस टू ऑल इज ऑल्सो इसेंशियल अगर सभी के सभी पर्सन लॉ के नज़रों में इक्वल हैं तो सभी को जो इक्वल अपर्चुनिटी दी जाएगी जस्टिस के लिए भी और ये जरूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इट इज़ क्लियर दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस अंडर द अंडर दिस कंसेप्ट इिसपेक्टिव ऑफ हिज पावर्टी तो इसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि कोई भी पर्सन जस्टिस से वंचित नहीं रह सकता हर किसी को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा दिस अरेंजमेंट नर्चर द रूल ऑफ लॉ इट रिक्वायर्स बाय द रूल ऑफ लॉ दैट एवरी पर्सन शुड भी प्रोटेक्टेड फ्राम इनह्यूमन बिहेवियर और ही मे बी सेवड तो इसमें यह बताया गया कि जो रूल ऑफ लॉ है ये सभी पर्सनस को प्रोटेक्शन वगैरह दे देते हैं अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ इनह्यूमन बिहेवियर वगैरह करेगा तो जिस पर्सन के साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जा रहा है जिसके साथ गलत किया जा रहा है उसको लॉ की तरफ से प्रोटेक्शन दी जाएगी उसको बचाया जाएगा रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड प्रोटेक्शन इवन टू द एक्यूज तो जो रूल ऑफ लॉ है मतलब लॉ कानून है ये दोषी को भी मतलब बचाया इस प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है केस रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इफ द स्टेट फेल्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पर्सन दैन द पर्सन विल लूज देयर डी फेथ फॉर द रूल ऑफ लॉ तो इसमें यह बताया गया अगर स्टेट फेल हो गई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक वगैरह को अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है जो उसमें अगर स्टेट फेल हो जाती है तो जो पब्लिक का भरोसा है कानून में वो एक तरह से मतलब ख़त्म हो जाएगा मेथडोलॉजी द रूल ऑफ लॉ इन आर्टिकल फोटी इज़ द बेसिक फ़ीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो जो रूल ऑफ लॉ है आ, आर्टिकल फोर्टीन के अंदर ये बेसिक फीचर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का देआर फॉर इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू पुअर एंड नीडी पर्सनस तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये प्रोवाइड वगैरह किया जाता है कि फ्री लीगल एट वगैरह पुअर पर्सन को और नीडी पर्सन को ज़रूरतमंद जु, पर्सनस होते हैं यहाँ जो पावर्टी वगैरह की वजह से कोर्ट के डोर्स वगैरह को नॉक नहीं कर सकते उनको फ्री लीगल एड वगैरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन सबसेक्शन वन सबसेक्शन थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नाइनटीन सबसेक्शन वन और सबसेक्शन थ्री है इसके अंदर बताया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपने आइडियाज़ वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाई द एक्यूज आर ऑलसो इंक्लूडेड इन इट तो अगर हम बात करें कोई दोषी है तो दोषी अगर कोई अपने आइडीज़ वगैरह को एक्सप्रेस करना चाहता है किसी के सामने तो उसको भी इस बात के लिए फ्रीडम दी जाती है बट दिस फ्रीडम कैन नॉट बी फोर द पुअर सेक्शन एक्यूज टिल इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस आर नॉट प्रोवाइडेड टू दैम बट जो ये फ्रीडम वगैरह है ये पुअर सेक्शंस के जो अक्यूज होते हैं दोषी होते हैं उनको तब तक इक्वल ऑपरचुनिटीज वगैरह जब तक जस्टिस की नहीं मिल जाती तब तक उनको फ्रीडम वगैरह नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाती ए पर्सन विक्टम ऑफ इन और डिप्राइड फ्रॉम जस्टिस कैन नॉट एक्सप्रेस हिस्स व्यूज कोई ऐसा पर्सन जिसको मतलब जो जिसको जस्टिस वगैरह मिला ही नहीं है वो अपने व्यूज वगैरह को तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा या जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या जिसके राइट्स वगैरह छीने जा रही हैं केस प्रभु दत्त वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इट वॉज सेट दैट इंटरव्यूइंग विद प्रिजनर इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो इस केस में बताया गया कि प्रिजनर्स के साथ जो कैदी होते हैं कैदियों हो का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो वे वो भी एक पार्ट माना जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कि वो अपने जो कैदी होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन वगैरह का जो होते हैं मतलब व्यूज़ वगैरह को एक्सप्रेस करते हैं बताते हैं इट इज़ ऑल्सो अ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस फॉर द पुअर पर्सनस ये कंसेप्शन भी मानी जाती है जस्टिस के लिए जो पुअर पर्सनस के द्वारा होती है अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो जो आर्टिकल ट्वेंटी वन है कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें बताया गया है कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो होती है और पर्सनल लिबर्टी का कि राइट क्या होता है इट इज सेड इन दैट नो पर्सन यहाँ पे पर्सनल की जगह पर्सन आएगा नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई द लॉ कोई भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी वगैरह नहीं छीनी जा सकती उससे बट अगर लॉ का कोई प्रोसीजर है उसके द्वारा उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है इट प्रोवाइड्स राइट टू लिव टू एवरी पर्सन तो जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोवाइड करता है राइट right कि हाँ हर पर्सन अपनी ज़िंदगी जी सकता है केस खड़ग सिंह वर्सेज यू स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट सेट दैट राइट ऑफ लाइफ मीन्स लिविंग लाइफ रिस्पेक्टफुली नॉट लिविंग लाइक एनिमल्स तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि राइट ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हाँ रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ को जीना ना कि जानवरों की तरह फ्री लीगलिट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ़ लिविंग लाइफ रिस्पेक्टफुली तो जो फ्री लीगल एड है ये भी एक पार्ट माना जाता है अपनी जो लाइफ है उसको रिस्पेक्टफुली जीने के लिए इन दिस राइट द राइट्स ऑफ दिस पर्सन आर ऑल्सो सेफ अगर हम इस राइट right के अंदर बात करें तो इस राइट right के अंदर इन लोगों के राइट्स भी सेफ माने जाते हैं द पर्सनस होम हैव नो सफिशियंट मीन्स टू गो टू कोर्ट इवन अनेबल टू गेट अ कॉपी ऑफ डिसीजन फ्रॉम कोर्ट ऐसे कुछ पर्सन जो जिनके पास सफिशेंट मीनस नहीं होता कोर्ट तक जाने का या कुछ ऐसे पर्सन जो अनेबल होते हैं जो कोर्ट वगैरह से अपने डिसीजन की कॉपी तक नहीं ले पाते आर बींग इन जेल फॉर ईयर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री लीगल एड या तो कुछ ऐसे लोग जो जेल के अंदर मतलब बंद पड़े हैं काफ़ी सालों से जिनको फ्री लीगल एड की मतलब सुविधा ही नहीं दी गई दोज हु कुट कॉन्टेक्ट टू लॉय इन जेल कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने लॉयर्स के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं किया बिकॉज जेल वगैरह में वो डिटेन वगैरह किया हुआ था उनको इसलिए देर फॉर द लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड इंक्लूड्स एक्सप्लोइटेड एंड पुअर पीपल ऑल्सो तो इसमें जो लिबर्टी ऑफ लाइफ का मतलब है उसमें पर्सन वगैरह जो पुअर पीपल्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं इट इज इट इज स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड दैम फ्री लीग रेड नॉट कम्पन्सेशन तो इस स्टेट की ड्यूटी मानी जाती है उनको फ्री, फ्री लीगल एड वगैरह गरीब पर्सन को प्रोवाइड करना ना कि उनको ये कंपनसेशन कंपनसेशन नहीं माना जाता ये स्टेट की तरफ से उनकी ड्यूटी है ये स्टेट की अब हम हमारे लास्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्री लीगल एड द आर्टिकल थर्टी नाइन ए वॉज अमेंडेड बाई द अमेंडमेंट ऑफ फोर्टी सेकेंड तो जो आर्टिकल थर्टी नाइन ए है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर एड किया गया था इसको इट डायरेक्ट्स दैट द स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रोमोट जस्टिस ऑन द बेिस ऑफ इक्वल ऑपरचुनिटी तो उसमें जो स्टेट है उसने बात सिक्योर करी है कि हाँ जो लीगल सिस्टम का ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें जो जस्टिस वगैरह को प्रोमोट किया जाता है इक्वल ऑपरचुनिटी वगैरह के बेसिस पे किया जाता है एंड शेल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाई सुटेबल लेजिसलेसन और स्कीम्स और इन अदर वे टू इंश्योर दैट ऑपर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन बाई रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़ तो इसमें यह भी बात इंश्योर वगैरह की जाती है कि किसी भी पर्सन का किसी भी और रीजन की वजह से या गरीबी की रीजन की वजह से या अदर डिसेबिलिटी वगैरह की रीजन की वजह से उसको मतलब है वो न्याय से दूर ना हो जाए उसको फ्री लीगलिटी वगैरह की सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए हर किसी को द अफोर्स एड ड्यूटी कोस्ट ऑन स्टेट कैन नॉट बी वेट एंड डाउन इन एनी मैनर आइदर बाय प्लेडिंग प्योसिटी ऑफ फंड्स और अदरवाइज स्लोली स्लोली दिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस और पार्टनर एंड बाई अवर प्रोविनेंट कोर्ट्स तो इसमें बताया गया है ये स्टेट की ड्यूटी मानी जाती है स्टेट ऐसा नहीं कह सकती कि हमारे पास फंड्स वगैरह नहीं हैं यहाँ स्टेट कोई भी मतलब एक्सक्यूज वगैरह नहीं बना सकती फ्री लीगलेट सर्विस ना प्रोवाइड करने के लिए केस मुहम्मद हुसैन अली वर्सेस स्टेट इट हैज़ बिन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट पासिंग द ऑर्डर ऑफ डेथ सेंटेंस इन केस ऑफ सवेरे एलगेशन विदाउट प्रोवाइडिंग द सर्विसिज ऑफ एन एडवोकेट इज वॉयलेन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो इस केस में क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर वगैरह पास कर दिया दे, डेथ सेंटेंस वगैरह के लिए बट इसमें क्या हुआ था कि जो मतलब जो अक्यूज़ था उसको एडवोकेट वगैरह ही नहीं करवा कर दिया गया तो ये वॉयेशन मानी जाएगी बिकॉज इसमें जो लॉ का प्रोसेस वगैरह है वो प्रोसेस वगैरह कंप्लीट नहीं किया गया उस कंसेप्ट के इसमें वॉयलेशन वगैरह मानी जाएगी फ्री लीगल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू सच पर्सनस तो जो फ्री लीगल असिस्टेंस है वो उनको हम मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए एडवोकेट वगैरह अक्यूज़ को भी मिलना चाहिए दस इंडेवर्स आर डन टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग दैम इक्वल ऑपरचुनिटीज ऑफ जस्टिस तो ये प्रयास वगैरह किए जा रहे हैं ताकि फ्री लीगल एड वगैरह दी जाए वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी की उनको और उनको इक्वल जस्टिस वगैरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज वगैरह दी जाए जस्टिस की प्रोवाइड वगैरह की जाए ओके गाइज थैंक यू